नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर ने अपनी संपत्ति की घोषणा की या अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया, और पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे के कारण हम आपको थोड़ा देर बाद समझाएंगे। पहले आप ये जानें कि काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर के पास में इस समय 130 करोड़ रुपए नकद और 9 KG 9.2 KG लगभग गोल्ड और 316 KG चांदी और 186 हेक्टेयर जमीन का या 186 हेक्टेयर जमीन है। दोस्तों, लोकतांत्रिक देशों में जैसे भारत हुआ, यहाँ पे चर्च और मस्जिद की संपत्ति का खुलासा कभी नहीं होता है, और न ही भारतीय नेताओं में इतनी ताकत है कि वो चर्च और मस्जिदों की संपत्ति का खुलासा कर सकें। तो अब नेपाल में भी वही हो रहा है जो कि भारत में बहुत पहले से हो रहा है। भारत के किसी भी नेता की ताकत ही नहीं है कि चर्च की संपत्ति का खुलासा करवा सके। तो दोस्तों, या तो पशुपतिनाथ की सीट पे सेकुलर सेकुलर यानी कि पश्चिमी देशों के इशारे पे काम करने वाले आदमी बैठे होंगे। आपको शायद पता नहीं है कि भारतीय कोर्ट एक नोटिफिकेशन देके भारतीय मंदिरों की सब संपत्ति को जब्त कर सकता है, लेकिन वही कोर्ट मदरसा, मस्जिद और चर्च की संपत्ति को हाथ भी नहीं लगा सकता है, लेकिन भारत के मंदिरों से आसानी से भारत के मंदिरों की जो संपत्ति है उस पे कब्जा कर सकता है। ये भारत का कानून है, यानी कि मंदिरों की संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है, लेकिन चर्च और मदरसे मस्जिद की संपत्ति को सरकार हाथ भी नहीं लगा सकती है। ये भारत का कानून है। अब यही नेपाल में हो रहा है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जिन्होंने मंदिर की संपत्ति का खुलासा किया वो नेपाल विरोधी लोग होंगे, और हो सकता है भविष्य में नेपाल में भी यही कानून लग जाए कि एक नोटिफिकेशन देके मंदिर की सारी संपत्ति को सरकार कभी भी जब्त कर सके। ऐसा भारत में है। भारत सरकार को यदि कभी पैसे की सख्त जरूरत हुई तो वो मंदिर की संपत्ति को आसानी से ले सकती है। अब यही कानून नेपाल में भी लगभग लगने ही वाला है। आज नहीं लगेगा तो 2 साल बाद लगेगा। मंदिर की संपत्ति का खुलासा होना इस बात का संकेत है कि नेपाल में भविष्य में ये कानून लगने वाला है कि सरकार को जब कभी पैसे की सख्त जरूरत होगी तो वो मंदिर की संपत्ति को ले सकती है, लेकिन वही सरकार चर्च और मस्जिद की संपत्ति को हाथ भी नहीं लगा सकती है। भारत में आपको एक कानून